अलीगढ़ के सारसोल इलाके में सत्यदेव शर्मा श्री सियाराम वृद्ध आश्रम को चला रहे हैं। 21 वर्ष पहले उन्होंने राम मंदिर निर्माण को लेकर अन्न त्याग की एक प्रण लिया था। जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा तब तक वह अन्न का सेवन नहीं करेंगे और इसी को लेकर उन्होंने अन्न त्याग दिया था। वृद्ध आश्रम में वृद्ध लोगों की लगातार वह सेवा कर रहे हैं और अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है जिसके बाद वह अन्न का सेवन करेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा है कि राम मंदिर निर्माण सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करवा सकते थे। हिंदू समाज उनका हमेशा आभारी रहेगा। वृद्ध आश्रम में रहने वाले लोगों ने भी राम मंदिर को लेकर हर्ष जताया और इसको लेकर उनमें भी खुशी देखी गई। क्या नाम है बाबा? मेरा नाम सत्यदेव शर्मा है। सत्यदेव जी बताइए आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते हैं? मैं रहने वाला तो था अतरौली तहसील में, गांव चखातल पड़ता था। वहाँ थोड़ी लड़ाई वड़ाई होगी तो मैं जवान नगर में रहता हूँ करीब 37 साल से। अच्छा, क्या कार्य करते हैं आप? मैं वृद्धाश्रम चलाता हूँ। अच्छा, ये बताइए आपके बारे में कहा जाता है कि आपने पिछले 21 साल से अन्न नहीं खाया, क्या वजह है इसके पीछे? जी मैंने 21 साल से नहीं खाया, वजह ये थी कि मैं शंकर जी की पूजा करता हूँ बहुत काफ़ी समय पहले से। तो एक दिन स्वप्न में मुझे हुआ 21 साल पहले कि शंकर जी ने कहा कि भाई मैं भगवान शिव का रामोहन का राम का भक्त हूँ, मेरे इष्ट हैं राम और तुम जो मेरी सेवा करते हो, रामायण में भी उन्होंने दिया है। तो मम द्रोही मम शिव द्रोही मम दास का हवा वो नरमो सपने नहीं भावा। तो उन्होंने सपने मुझे हुआ कि आप जो है भगवान राम का मंदिर नहीं बन पा रहा है अयोध्या में। तो मैंने उनसे कहा साहब मैं तो बनवा तो नहीं सकता हूँ लेकिन कोई प्रण ले सकता हूँ कि मैं जब तक आपका मंदिर न भगवान राम का मंदिर नहीं बनेगा मैं तब तक अन्न नहीं खाऊँगा। तो मैंने अन्न जो है चावल दाल और आटा ये सब छोड़ दिया कि जब तक मंदिर नहीं बनेगा मैं ये ग्रहण नहीं करूँगा भोजन। अब जो है हमारे प्रधानमंत्री जी आए श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अथक प्रयास से अपना मंदिर बनाया और उम्मीद है कि 22 तारीख को मंदिर में रामलला स्थापित होंगे। अगर वो बिना किसी परेशानी के अगर वो होते हैं तो उसके बाद मैं अपना ईश्वर ने चाहे तो अन्न ग्रहण करूँगा। अच्छा, जिस तरीके से आपने ये पिछले 21 साल से अन्न नहीं खाया तो किस चीज़ों पर आप जीवित? मैंने लौकी खाई थी 5-6 साल कच्ची, उसके बाद फिर नींबू की शिकंजी बना के 1.5 लीटर पानी, 6 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक, 2 नींबू एक बार में पीता था, फिर दोबारा को 3 में से 6 नींबू पर डे में लेता था इसी तरह से, और मूंगफली खाता था कच्ची, उनसे मैं आज भी उन्हीं से चल रहा हूँ। तो जिस तरीके से आपने प्रण लिया था वो प्रण पूरा होते हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप खुश हैं? ये नरेंद्र मोदी जी की, हमारे प्रधानमंत्री जी की मेहरबानी है जो मेरे प्रण को पूरा करा रहे हैं वो। तो अब जिस तरीके से अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुका है, अब रामलला विराजमान होने जा रहे हैं, तो क्या आप दर्शन के लिए जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे साहब, बिल्कुल हम जाएंगे। 21 तारीख हो जाए, यहाँ से 20 तारीख को हम निकलेंगे अपने यहाँ आश्रम का इंतजाम करके, और हम जब हमने प्रण लिया तो हम तो अवश्य ही जाएंगे। क्या नाम है? मिथिलेश देवी शर्मा। दोबारा बोलो। मिथिलेश देवी शर्मा। मिथिलेश देवी शर्मा। अच्छा, ये बताइए आप यहाँ कब से रह रहे हो? 4 साल से। 4 साल से। ये पंडित जी को कब से जानते हो आप? जब हम आए तभी से जानते हैं। अच्छा, पंडित जी अन्न नहीं खाते हैं? नहीं खाते हैं। तो क्यों नहीं खाते हैं? कि राम भवन बन जाएगा तब हम खाएंगे। आपने ना कभी अन्न खाते हुए नहीं देखा? कभी। भोजन ग्रहण नहीं करते? नहीं करते। अब इनका प्रण पूरा होने जा रहा तो क्या कहेंगे? जब इनको प्रण पूरा हो जाएगा तभी ये खाना शुरू कर देंगे। अब जिस तरीके से भव्य राम मंदिर बन रहा है तो आप खुश हैं? हाँ खुश हैं, इनके जेल वाले जाएंगे तो आएंगे हम जरूर। अच्छा, तो दर्शन करने के लिए जाएंगे आप? जिनके ऊपर है ना वहाँ का अकेले चले जाएंगे।